नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। मेरा नाम सरिता देवी हुआ जी, संझौली प्रखंड मंझौली का मुखिया हूँ जी। आप पुनः नॉमिनेशन किए हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है कि जनता हमसे बहुत खुश है जी, और मैं पुनः जीतूंगी जी। मैं विवेक यादव जी, आज मेरी माँ सरिता देवी पुनः मंझौली पंचायत के मुखिया पद के लिए नामांकन भरी हैं जी, और अपार जनता के समर्थन और हमारे और इनके समझ से कार्यों के प्रति जो निष्ठावान जनता का प्रेम है, उसको देख के लग रहा है कि हम लोग पुनः मुखिया पद हेतु विजयी होने वाले हैं, जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है और हम लोग पुनः जीत कर तमाम मझौली पंचायत वासियों का सेवा करेंगे। मंझौली पंचायत अभी यहाँ पर किनका नॉमिनेशन चल रहा है? सरिता देवी जीते हुए प्रत्याशी जो है, ये 5 साल जो कार्य किए हैं, क्या आप इनके कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। इस बार क्या आसार लग रहा है? इनको जिताना है हम लोग को, जनता का समर्थन है। कितना समर्थन है? जनता का भरपूर समर्थन है। जीते हुए जो प्रत्याशी थे किस पंचायत से? मझौली पंचायत। मझौली पंचायत से। किस प्रखंड में पड़ता है? किस प्रखंड में पड़ता है? मझौली। क्या उम्मीद लग रहा है इस बार? चुनाव जीत जाएंगे हम लोग। चुनाव जीत जाएंगे। बहुत बहुत भरपूर सहयोग है यहाँ के ग्रामीण जनता। बहुत बहुत। क्यों मतलब इतना विश्वास है? पूरा मिल रहा है, काम के आधार पर वोट मिल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम आपका? इंटू यादव। कहाँ से हैं? हर मुकदी। और जो सरिता जी भी चुनाव जीतने के बाद में पुनः नॉमिनेशन की है, आप लोगों को क्या विश्वास लग रहा है? विश्वास एकदम पूरा है, हम लोग का जीत पक्का है। किस आधार पर? हम लोग पंचायत में घूम काम किए हैं। काम के आधार पर? हाँ। किस प्रखंड में ये पड़ता है? मझौली प्रखंड में। कौन सा पंचायत? मझौली पंचायत। आप लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है? हाँ, हम लोग का आशीर्वाद है। हमारा घर मोतिहारी पड़ी जी, नाम मोती सिंह। अभी जो मुखिया प्रत्याशी का नॉमिनेशन हुआ, ये अपने कार्य जो 5 साल किए हैं, तो क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ। क्या उम्मीद लगता है इस साल, इस बार आर होगा? हम मर्द गड़ी बताएंगे ना।